गुड गुड गुड। दादा राम से साटी लम्मी उडारी वे बाबुल केड़े देश जाना। सुन दा हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानसी शर्मा ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ जुनूनियत के सेट पे एज व्हाट, वो आपको पूरा व्लॉग देखकर पता लग ही जाएगा और हम क्या क्या मस्ती करने वाले हैं। तो पूरा व्लॉग देखना। आई एम गुड। अपना सुंदर सा चेहरा दिखाओगे? देखो हमारा मॉर्निंग फेस। आप सबको लग रहा होगा कि हम दोनों ने जानबूझ के सोच समझ के ट्विनिंग की है, बट ऐसा नहीं है, ये कोइंसिडेंस है। लेवेंडर कोइंसिडेंस है। तो अब हम है रास्ते में, अभी हम जाके मिलते हैं आप सबसे सेट पे। सो आते ही मेरा तो दिल खुश हो गया। एक तो मौसम इतना अच्छा था और दूसरा यहाँ पर पास में है गुरुद्वारा। आपको आवाज़ आ ही रही होगी ना गुरुद्वारे में से, तो एक सुकून मिल जाता है यार जब ऐसी वाइब हो सुबह सुबह और हम अपने काम पर आए हैं। तो यहाँ पे हम आकर सबसे पहले करते हैं अपने साइन एंड हम गए अपने रूम में। उसके बाद हम जाएँगे मेकअप करवाने, तो आप देखते रहिए। एंड ये आज मिला है हमें, शुक्र है कुछ नया मिला है ना। एंड मैं आ चुकी हूँ अपने मेकअप रूम में, फमा मेकअप एंड हेयरडो। सो आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी आउटफिट पहनने वाली हूँ और बहुत ही अच्छे से रेडी होने वाली हूँ। वो क्यों? क्योंकि आज है मेरा, मतलब रसिका। सो मेरा कैरेक्टर नेम है इसमें जुनूनियत में रसिका। तो रसिका का है आज मेहंदी एंड संगीत फंक्शन, जो कि जॉर्डन एंड टीना की बड़ी भाभी है। दीक्षा आप मेरी शादी में आ रही हो? हाँ। अरे जाओ तुम रेडी हो जाके, पर मैं बैकस्टेज हूँ। सब रेडी हो रहे हैं मेरी शादी के लिए, दिखाऊं? सब रेडी हो रहे हैं मेरी शादी के लिए। ये है मेरी दादी सास। दादी सास को मेकअप का बहुत शौक है, है दादी? ये देखो मेरी हीरोइन ननद, ये गर्ल्स करवा रही है। ये तुम क्या ग्लैमर दिखा रही हो? अब हम हो चुके हैं एकदम रेडी, है ना? नूर जी, टीना जी, आरशी जी, समझ में नहीं आता आपके कितने नाम है, मेरा एक ही है। क्या? रसिका। सो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था कि ये छोटा वाला सरप्राइज क्या था। तो ये छोटू सरप्राइज ये है कि मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी भाभी बनने वाली है और मैं इसकी भाभी बनने वाली हूँ। सो देखते रहिए जुनूनियत शाम 8:30 बजे ऑनली ऑन कलर्स। आपका स्वागत करती हूँ अपने घर भाभी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इतनी प्यारी इतनी सुंदर भाभी मिल रही है। रोना आ रहा है मुझे, इतनी इतनी खुश हूँ मैं, इतनी ओवर एक्टिंग, गजब बेइज्जती है। ₹10 गाइस की ओवर एक्टिंग है। गाइस हम रेडी हो चुके हैं, ये रही हमारी नूर की पूरी लुक। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा। तो आज हमारी घर मेहंदी है, बट आई थॉट Oh my God, glamour! Okay, she's absolutely pretty. एकदम बम पटाका। आप पे अदाब नहीं, आप पे सत श्री अकाल जच रहा है। हाँ हाँ, मुझ पे अदाब जच रहा है आज। इधर आओ, देखो मुझ पे जचेगा आज। अस्सलाम वालेकुम।
हम ज्यादा ही फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। That's it, bye. आ चुका है हमारा खाना और हो चुका है लंच ब्रेक। और मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ, एक शॉट लग चुका है, बट मैं अपना फ़ोन दे चुकी थी किसी को, तो पूरे शॉट में मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था और मैंने किसी को बोला भी नहीं, मैं भूल गई कि एक शॉट ले लीजिए। सो बाद में मैं जब दोबारा जाऊँगी ना तब मैं शॉट्स लूँगी। और यहाँ पर मेरे साथ है ये देखो बेटे और टीना इज वेरी हंग्री। पूरा रिहर्स कर लिया अब हमने, अब हम आपको अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हमारी जल्दी से रील आने वाली है, बॉम्ब रील। तो या तो आ चुकी होगी या आने वाली है, अगर आ गई है तो अभी जाकर देखो और फॉलो करो हम दोनों को, अगर नहीं आई है तो भी जाके देखो। आईडी तो बता दो। हाँ तो भी जाके फॉलो करो और वेट करो, ठीक है, जल्दी आ जाएगी। तो मेरी आईडी है mansi_sharma10 एंड ये मैम की है sachdeva.archie। सो वेट फॉर आवर वीडियो, सी यू सून, बाय बाय। सो हमने बेबे को दिखाई थी, बेबे कैसी लगी हमारी वीडियो? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी, सुपर। आपने अपने फोन में वीडियो बनाई थी हमारी? हाँ बनाई थी, कि क्या कर रही हो मैं देखूं, जरा आपको एक्शन ज्यादा सिंक्रो नहीं कर पाओ, आपकी हेल्प करने के लिए बनाई। तो देखो हमारे बेबे कितने सपोर्टिव है, अपनी नई बहू की रिहर्सल्स में हेल्प करवा रही है, क्योंकि शादी है ना। हाँ अपनी नई बहू की ऐसी दादी साथ सबको मिले, हाँ सबको मिले, ऐसी सपोर्ट करे कहते ठहर जो जरा, ऐसी सास सबको मिले, ऐसी सास सबको मिले, दादी सास, दादी सास करे, मेरे को कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो हमने कर दिया था बेबे को एकदम परेशान, बेबे कहते मैं जा रही हूँ छोड़ के, देख बेबे जाने की तैयारी में, अगली बार नहीं लेंगे हम तेरे साथ तुम्हारे साथ रूम। और हम तो बेबे को कह रहे हैं बेबे हम फ्लैट में भी, आप फ्लैट में भी रहेंगे हम आपके साथ, एक एक यहाँ मैं बैठूंगी, यहाँ पे ये बैठेगी। तो इसीलिए हमारा एक गाने का प्रोग्राम शुरू हो गया था। एंड गाइस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये वाली आवाज सुन के ना बेबे ही द ग्रेट इंडियन वॉइस, ना कोई इलाही, ना जॉर्डन, ना जहां, बेबे उठे भी जाना तेरिया महलां दे विच विच वे बाबुल डोला नहीं लंघदा एक इट पुटा दियांगा जाइए कर जा अपने तेरियां महलां दे विच विच वे बाबुल गुड़िया कौन खेले मेरियां खेलन पोतरियां दिए कर जा अपने। मजा आया, बेबे नाइस, इसको क्लैपिंग बेट, बहुत अच्छा गाती हूँ सिंगर के लिए। नहीं बेबे आपकी आवाज में वो ऐसे है जैसे रुआनियत, हाँ रुआनियत। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? पेपर देने की तैयारी कर ले, साथ खराब हो जाएगा। अरे क्या क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ? जी 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 लाली से बेबे हम क्या है आपकी चिड़िया और क्या चिड़िया कैसे पढ़ूंगी, नहीं जी जी कर रही है सुबह।
बढ़ रही। हाँ गुड गुड गुड, शाबाश बेटा, यही चाहिए हमें। सारे बच्चों का सपना गाइस आप देख सकते हो। बस हो गया, डन डन। चलो स्टेज पे जा रहे हैं ट्रॉफी लेने। जल्दी से अच्छे से स्टेज बना, स्टाइलिश जल्दी से बनाओ भाई, टाइम ना वेस्ट करो, जाना उनको। कैश क्या क्या बेबी दोबारा? चिड़िया चोंच भर ले गई। तो आप सब सोच होंगे कि हम रूम में ही बैठे हैं, पूरा व्लॉग मेरे हिसाब से रूम में ही खत्म होने वाला है। थोड़े से शॉर्ट के लिए मैं गई थी, उसमें मैं व्लॉग बनाना ही भूल गई। मुझे तो सुबह से बुलाया ही नहीं है, ये तो गई नहीं है, ये सुंदर। सो अभी भी वेटिंग है, वेट कीजिए, कब जाएंगे? अभी हमने अपने तैयार होकर क्या क्या करे, लंच ब्रेकफास्ट करे, फिर लंच कर रहे हैं, बस अब हम डिनर करके मुंह धो के घर चले। हम यही करने आए थे बस आज यहाँ पे। मेरा लगा है, इसका नहीं लगा ना, मैडम जी का। तो तुम्हें पेपर के पढ़ने की अच्छे से वो मिल गया टाइम, पढ़ो जैसे के साथ हो सकती है पढ़ाई। बेबे घुमाओ अपनी चोटी। बेबे ना वहाँ जाके बाबा जी के साथ डांस करेगी। जुत्ती मेरी जाती है पहाड़ी के दिनाल, जुटा मेरा चलूंगी तेरी न पूरी, पावे सनु दूरदा प्रिया। ओहो पावे सनु जिन्ना रहांगी मैं पैर न जाना, उन्हीं रहे सनु मुड़ना प्रिया। क्या बात है, बस बेबे बस, कॉपीराइट इतने आने ना मेरे एक व्लॉग में, इतने गाने आपने गाए। चलो बेबे ऑल द बेस्ट, रोज आगे चले। लुकिंग पढ़ तो तेरी पढ़ाई खराब हो जानी सारी, मेरी स्क्रिप्ट दे दे थोड़ा परेशान किया। अब मेरे बैग की मत मारती, बीच मेरे चश्मे चश्मे सर गए पूरा। कुछ नहीं होता बेबे, हल्की हल्की आदा चिड़िया ने। आ ये तो सारा व्लॉग डेडिकेटेड है बेबे, ये बेबे जी को क्यों 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 ठीक है बेबे, जाते जाते बोल देना बेबे, हमारे लिए भी बोल देना। यू था व्लॉग सो मच फन, इतना फन आ रहा है ना मुझे, इतना फन, इतनी जोर से फन आ रहा है बस। अभी हम रूम में बैठ के बोर हो गए तो हमने सोचा हम जैसे गिरे शिविर मारे, तभी हम गाने घूमने जा रहे हैं मेरी मॉम से, मेरी मॉम से। एंड मैंने इसी के ऊपर ही टी शर्ट पहन ली है, आधे लोग मुझे देख के डर जाएंगे, वो बोले कि आपने चेंज क्यों कर लिया, अभी शॉर्ट लगने वाला है। बट मैं आपको बता, बस मैं जा रही हूँ, हो गई मेरी शादी। आज के लिए प्लान्स? नहीं नहीं मेरे वैसे। हाय तो यहाँ पे सारे अपने शॉर्ट का वेट कर रहे हैं, आप पागल हो गए हैं, बोर हो गए हैं सर। डांस करके दिखाते हैं वो वाला, हाँ हम आपको डांस करके दिखाते हैं, हमने परफॉर्मेंस रेडी की है। अच्छा, खुद की रील्स के लिए, रील्स के लिए। चलो मैं तो वो कह रही थी वो वाला कौन सा सॉन्ग है, तो हम यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाने आए हैं, मतलब दिखाने वाले। ये मेरी मम्मा है, मीट माय मॉम, है ना? कॉफी डेट आ रही है पीछे। कैसी लगी आपको आपकी नई बेटी? मेरी नई बेटी बहुत ही प्यारी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। यस, सो फाइनली वी आर गोइंग। आई विल शो यू मेरी शादी का फंक्शन। फाइनली ये मौका मिला है हमको, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें चल रही है, स्क्रिप्ट तो कोई नहीं रीड कर रहा है, यहाँ चल रही है प्रेप्स, ये रहा मेरा सिंहासन, हो रही मेरी सासू मॉम, लुक एट हर शी इज वेरी प्रिटी।
यस, ये है मेरी मॉम, आप मिल चुके हो सब, है ना प्रिटी प्रिटी बेबी जैसी शादी वाला घर। पापा जी, पापा जी आपको कोई इश्यू तो नहीं है? आपकी बहू और बेटी एक एक लगा रही है पैग, बताइए। पैग लगा रहे हैं? हाँ पैग लगा रहे हैं। आपको कोई इश्यू तो नहीं? मुझे क्या इश्यू? चिल है, चिल कूल है। दूर दूर से ही होता है, दूर दूर से ही हमारे टाइप की है। बाय। तो आपको मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ अपने पापा जी से, मतलब होने वाले पापा जी, मेरे ससुर डैड। हेलो, हाय गाइस, ये है मेरे ससुर पापा जी। ससुर पापा जी का नाम क्या है? क्या है, है? क्या है? इंदर जी। इंदर, ये सीरियल में है? इंदर जी, इंदर जी। करेक्टर नेम है, एक्टर नेम क्या है? राम। पूरा नाम? राम। शुक्र है, याद है, याद है। तीन साल हो गए हैं, कैसे भूल सकती हूँ मैं। तो यार हम पहली बार कहाँ मिले थे? हाँ, अमर सैम्बी के सॉन्ग पे। यस, और उसके बाद? उसके बाद सीधा उड़ारिया। उड़ारिया पीछे, बस फिर मैंने पीछा ही नहीं छोड़ा। हाँ, तरक्की करते गए थे। सीधा पापा, पापा की बेटी बन के आ रही हूँ। दो गाना गा रहे थे ना, सुनने का कंटिन्यू करो। इधर पीछे खड़े, यहाँ पे हमारा कोई क्लोज नहीं है, बट हम बैठे हैं, क्यों? चिल मार रहे हैं बस, इसलिए इनके क्लोजेस हैं और हमारे तो हैप्पी नहीं। या खुसर फुसर चल रही है, खुसर फुसर बोल रहे हैं जाए। ये देखो हमें छत दे दिया इन भैया ने, दादा राम से। दादा सो मैं आ चुकी हूँ रूम में, और आप हैरान हो गए ये चीज सुन के कि हमारा पैकअप हो गया और हमारे आने से पहले ही बेबे चेंज कर चुके हैं। मतलब हमारे आने से पहले बेबे का पैकअप हो चुका है। तो ये मेरे इस व्लॉग की स्टार, तो इनको पहले आप टाटा बाय बाय कर दो बेबे, बाय। ठीक है, अब मैं चेंज करती हूँ, फिर आपसे मिलते हूँ। ओके, अब तो मैं दिख भी नहीं रही होंगी। चला लो लाइट। ना ना, कोई नहीं, तो हम निकल कोई चुके सॉन्ग चाहिए तो बताओ, चला अपनी मम्मा के साथ ऑन स्क्रीन मम्मा। और ये चिप चिक चिक मिस चिक चिक। तो बस आज का ब्लॉग अब मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अब सीधा हम जाएंगे घर, एंड कल का जो भी शूट रहेगा वो पार्ट टू में आएगा, वो आपको दिख ही जाएगा। सो या आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर पक्का 100% कर देना, सब्सक्राइब तो 1000% कर देना। तो या मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।